केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ की फसल के खराबे के लिए श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र के लिए 584 करोड़ रुपए की क्लेम राशि मंजूर की गई है। इसके तहत श्रीगंगानगर जिले के लिए 184 करोड़ और हनुमानगढ़ जिले के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद निहाल चंद मेघवाल ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। फसल 2020 की जो किसानों की फसल आंधी से, तूफान से, ओलावृष्टि से और बारिश से जो खराब हुई थी, उसके लिए जितना राजस्थान की सरकार ने केंद्र सरकार से पैसा मांगा है मुआवजे के तौर पे, केंद्र की सरकार ने पैसा अलॉट किया है। अभी गंगानगर जिले के लिए 184 करोड़ रुपए और हनुमानगढ़ के यानी तीन विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़, पीलीबंगा और संगरिया के लिए केंद्र सरकार से 112 करोड़ रुपए और नौर और भादरा के लिए 288 करोड़ रुपए, यानी 500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने किसानों को कंपनसेशन के रूप में जिन किसानों की फसल खराब हुई है उनको केंद्र की सरकार ने जारी किया है।